आइए दोस्तों हम डाल के खाती हैं। ये देखिए इस तरीके से आप लोग ये मछली बनाएं और खाएं। इस मछली के नाम है गोल्डन रेहू। आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखिए इस तरीके से मछली बना के खाने के लिए। ये दोस्तों वीडियो बताइए कैसा बना है। चावल मछली ये तला हुआ है मछली, ये मूली का अचार, प्याज। आइए दोस्तों आप लोग भी खाइए। बाय बाय। अरे दोस्तों नमस्ते, आइए किरण के चौका में आप लोगों को स्वागत। ये देखिए 1.5 kg मछली है। हम मछली को पन्नी से निकाल के रख लिए। इसको अच्छे से हम पहले साफ करेंगे पानी डालकर। इसे आँखों के ये दिखाई दे रहा नहीं, सारा चीज़ हम निकाल देंगे। आइए तब तक ये मछली हम ऐसे ही रख दें, बाद में धोएंगे। आइए तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। ये देखिए ये लहसुन, लहसुन मतलब ये जवान निकाल लिए, इस छिलका सहित पीसेंगे। इसका मतलब 6 पोट इतना बड़ा बड़ा था, तो हम जवा निकाल लिए हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, ये 2 अढ़ाई चम्मच राई है, सरसों मिर्च है। अपना तीखा अंदाज, जितना तीखा आप खाते हो उतना डालें। ये तब तक हम सारी चीज़ को पीस लेते हैं। आइए दोस्तों लहसुन हम थोड़ा पीस के निकाल लिए हैं मछली में डालने के लिए, तलने के लिए। ये देखिए सारा मसाला, सरसों तो जरूर डालें आप, मछली बहुत टेस्टी बनता है सरसों वाला मछली। आइए तब तक हम पीस लेते हैं। आइए दोस्तों हम इस तरीके से इसको अच्छे से साफ कर लें। इसका आँख हम निकाल लेंगे पहले। आँख डालें मत कभी, तेल में जाने के बाद टूटता है। ये देखिए एक अंगली अंदर कीजिए आप। ये देखिए दोस्तों मछली साफ कर ली है। ये डाल देंगे इसमें लहसुन के पेस्ट, सिर्फ लहसुन के पेस्ट। ये है लाल मिर्च, ये हल्दी, इसमें ये हल्दी डाल दिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस ये देखिए इस तरीके से सारा मसाला इसमें हम मछली में लगा लिए। लहसुन, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये 3-4 चीज़ इसमें मिक्स जरूर करें, बहुत टेस्टी लगता है। तब इसको फ्राई करें अच्छे से। आइए हम गैस जला लिए हैं, कढ़ाई भी रख दिए। अब इस कढ़ाई गर्म हो गया हल्का, इसमें हम डाल देंगे सरसों तेल फ्राई करने के लिए। ये देखिए तेल पूरा गर्म हो गया। जब तक तेल से अच्छे से तो उबाल ना आए, धुआं ना आने लगे, तब तक आप ना डालें। ये देखिए अब ये मछली डाल देंगे हम सारा तलने के लिए। 7-8 पीस आटा है और इसको हम अभी कम से कम 4 से 5 मिनट तक एक तरफ से सेक लेंगे, उसके बाद हम फिर पलटेंगे। देखिए दोस्तों जब एक बार मछली तल जाता है एक तरफ से गोल्डन हो जाता है तो यहाँ पलट आता है। ये सारे मछली इस तरीके से तल लें और हम दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों टोटल समय लगा, तेल पूरा गर्म रहेगा तो आपका 6 से 7 मिनट में मछली अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से मछली फ्राई हुई, सारा मछली इस तरीके से आप फ्राई करें। आइए अब सारा मछली का हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये लास्ट में हम मूड़ा को तलेंगे, सारा मछली को हम धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों सारा मछली तला गया है, मूड़ा को ही ज़्यादा फ्राई ना करें, उनको निकाल देंगे। अरे दोस्तों मछली तार के निकालिए, इसमें जो तेल बचा है इसी में हम डाल देंगे। 1 चम्मच राई मतलब सरसों, ये मेथी पत्ता है वो भी डाल देंगे। इसमें मेथी नहीं रह, मेथी पत्ता नहीं सीजा जाता है तो आप मेथी डालिए, इसी निकाल दीजिए। दोस्तों मसाला जो पेस्ट बना के हम रखे थे सरसों वरसों का, ये सारा चीज़ हम डाल देंगे। ये दोस्तों जो मसाला का पेस्ट बना के ये डाल दिए। ये देखिए ये मिर्ची है, अपना तीखा अंदाज डालिए। 1 चम्मच मिर्ची, हल्दी, 1 चम्मच बड़ी चम्मच से धनिया, ये सभी मसालों को हम डाल देंगे इसमें, डाल कर मिक्स कर देंगे। आइए तब तक ये 2 टमाटर है बड़ी साइज का, काट लेंगे। मसाला को अच्छे से मिक्स हो गया, इसी के साथ हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक अंदाज से डालें, लेकिन मछली जब डालेंगे उसमें भी नमक डालेंगे, मसाले में नमक अंदाज से डालें कि ज़्यादा ना हो। देखिए 5 मिनट हो गए मसाला भूजते हुए, अब डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर भी मिक्स कर दे अच्छा से, टमाटर को भी पका दे तब तक टमाटर गल ना जाए और पूरा से तेल ना छोड़ दे, मसाला कढ़ाई से अलग ना हो तब तक भूजते रहें। ये देखिए दोस्तों टोटल 10 से 12 मिनट हो गया है मसाला को भूजते हुए, और 2-3 मिनट हम भूजेंगे। कल ये मसाला भूजे मीडियम आँच पर ही मसाला भूजे तो अच्छा से मसाला भूजा जाता है। ये देखिए
ये देखिए दोस्तों टोटल 20 मिनट लगा मसाला भूनने में। आइए हम अंदाज से पानी डाल दें, उसको सूखा रखना है, उसी हिसाब से ग्रेवी डालें। थोड़ा पानी जैसा पतला जैसा रखा है तभी अपने हिसाब से पानी डाल लें आप लोग। देखिए दोस्तों पानी डाल दिए हम, इसे हम ढक लेंगे अच्छे से उबाल आ जाए। तो एक बार देख लिया अच्छे से उबाल आ गया, ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया, पूरा तेल साइड से छोड़ दिया। अब इसमें हम डाल देंगे मछली, डालेंगे पूरा इस तरीके से, सारा पीस डाल देंगे धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों मछली कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। सॉरी आप लोग हम दिखाना भूल गए धनिया पत्ता, आप लोग धनिया पत्ता इसमें ज़रूर डालें। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें आप लोग वीडियो में, जरूर बताएं आगे। अरे दोस्तों हम आपको निकाल के दिखाते हैं, रोटी चावल के साथ आप खाएं, चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है मछली।